हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म योर फिल्म। इस चैनल का नाम अब फाइनल कट प्रो एक्स हिंदी से चेंज होकर फिल्म योर फिल्म हो गया, क्योंकि मैं इस चैनल को अपग्रेड कर रहा हूँ और एक बड़ा अपडेट आप सबके लिए आने वाला है। सो गेस कीजिए वो क्या हो सकता है, नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं। वैसे सो 1800 सब्सक्राइबर्स को मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को, और आई होप कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। सो आज का ये ट्यूटोरियल एडवांस ट्यूटोरियल है, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद एक पहला एडवांस ट्यूटोरियल्स चैनल में मैं डाल रहा हूँ। इसको बोलते हैं की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप फाइनल कट प्रो में ही एनिमेशंस कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, इसमें आप एनिमेशंस कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा सुपर एडवांस लेवल की तो नहीं कर सकते जो मोशन या आफ्टर इफेक्ट्स में हो सकते हैं, लेकिन बेसिक एनिमेशन के लिए आपको कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करने की या सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं इस एनिमेशन को, टेक्निक को, की फ्रेमिंग होती क्या है और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टिवली और क्रिएटिवली। सो एक बहुत बेसिक 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन से हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम सारे एक छोटी सी एनिमेशन में आगे बढ़ेंगे, और इस एनिमेशन में मैं बेसिकली क्या दिखाना चाहता हूँ, एक सिटी है, सिटी में एक ड्रैगन आता है और ड्रैगन सारी सिटी को जला देता है। बिल्कुल छोटी सी 3 से 5 सेकंड की ये एनिमेशन होगी। सो गूगल इमेजेस से मैंने ये सारी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं इस एनिमेशन के लिए, और एक टाइमलाइन मैंने बना ली है फुल HD की, जिसका नाम मैंने की फ्रेमिंग रख दिया। और इसको करते करते मैं पुरानी टेक्निक्स, जितने भी टूल्स या शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, वो सारे आपके रिवाइज भी हो जाएंगे एंड आपका हाथ सेट हो जाएगा अगर आप इसको मेरे साथ साथ करेंगे। सो मैंने सबसे पहले स्टार्स की, नाइट स्काई की एक इमेज निकाली और इस पे मैंने ये एक सिटी रख ली, सिटी की इमेज लगा दी यहाँ पे, और सिटी पे ये मैंने लगा दी रोड। यहाँ से ड्रैग करके आप इसके हैंडल पकड़ के इसको लंबा या छोटा कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 6 सेकंड की टोटल एनिमेशन मान लीजिए मैं बना रहा हूँ। सो इसको मैंने शिफ्ट सी दबाया क्रॉप करने के लिए, और ये पहला ऑप्शन ट्रिम का आ जाता है, यहाँ से पकड़ के मैंने इसका हैंडल ये इतना कर दिया, ठीक है, डन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सिटी थोड़ी और दिखे, सो यहाँ से इंस्पेक्टर खोल लिया। इंस्पेक्टर होता है जहाँ पे आप एडवांस इसके टूल्स देखते हो और उसको वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये इंस्पेक्टर पैनल है, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म मेन्यू में गया, यहाँ पर वाई एक्सिस है, इसको मैंने यहाँ से नीचे किया। अगर इसके एक्स एक्सिस को मैं छेड़ता तो ये लेफ्ट या राइट हो जाता। इसको मैं यहाँ से भी कर सकता था, शिफ्ट टी इसका शॉर्टकट है ट्रांसफॉर्म का, सो ऐसे नीचे यहाँ से भी कर सकता था। यहाँ से करने का ये नुकसान है, कई बार आपकी ये लेफ्ट या राइट एक्स एक्सिस भी छेड़ा जाता है। सो आप ये देख रहे हैं एक इमेज जो मेरे को चाहिए था वो आ गया। मैं चाहता तो यहाँ पे मून भी लगा सकता हूँ, या जैसे भी आप ड्राइंग, जैसे भी आपकी क्रिएटिविटी कहती है आप वैसे आप कर सकते हो। सो एक बेसिक मेरी ये ड्राइंग या सिटी आप कह सकते हैं कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने डाली अब ये कार, कार का साइज़ काफ़ी बड़ा है, सो इसको सिटी के स्केल पे करने के लिए मैंने फिर शिफ्ट टी दबाया, जो कि ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट है। यहाँ से इसका ये हैंडल पकड़ा और इसको नीचे कर दिया, छोटा कर दिया, स्केल डाउन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मेरी कार यहाँ से आगे जा रही हो, चल रही हो, और यहाँ पे एक ड्रैगन आए और इस सारी सिटी को जला दे, कार को भी जला दे। लेकिन जब मेरी कार आगे चलेगी टायर्स नहीं हिलेंगे, सो इसको एनिमेशन को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने टायर्स की PNG इमेज डाउनलोड कर ली है, और उसको मैं कार के जो टायर्स हैं उनके ऊपर लगाता हूँ, और इसको हम रोटेट भी करवाएंगे। साइज़ काफ़ी बड़ा है, ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करके हम इसको छोटा कर लेते हैं, कार के टायर के जितना हो गया। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेयर है, इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ ऊपर ये लेयर। सो इसका शॉर्टकट ये है, ऑप्शन आप दबाएं अपने कीबोर्ड में, मैक के कीबोर्ड में ऑप्शन दबाएं जो कमांड के लेफ्ट पे है, और इसको ड्रैग कर दें इसके ऊपर। सो ये डुप्लीकेट हो गई लेयर। अब मैं ये टायर को इधर करना चाहता हूँ, सो इंस्पेक्टर खोला, अब एक्स एक्सिस यहाँ पर आया, और इसको ये देखिए ड्रैग कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे को चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ एक्स एक्सिस को मैंने छेड़ा। ये मेरे टायर्स भी यहाँ पर आ गए, ड्रैगन को लाते हैं सिटी में, और अभी सभी के साइजेस हम देख रहे हैं कि सभी चीज़ों के ठीक हैं, स्केल ठीक है। सो ड्रैगन को अभी मैंने डिसेबल कर दिया, V इसका शॉर्टकट है, इस क्लिप को देखें आप, डिसेबल, ये इनेबल हो गई और ये डिसेबल हो गई।
सो अब पहले तो हम चलाते हैं अपनी कार को। कार हमारी आ रही है पीछे से। ओके, ये टायर सिलेक्टेड है, टायर को मैंने पीछे कर लिया। सो ये मेरी कार यहाँ से आ रही है और करीब यहाँ तक आएगी जब ड्रैगन आ जाएगा। की फ्रेमिंग टेक्निक ऐसी है, की फ्रेमिंग का मतलब ये जो आप हर ट्रांसफॉर्मिंग टूल या ऑप्शन या जो भी कंट्रोल है, कंट्रोल के आगे ये जो आप देखते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं, इसको की फ्रेम बोलते हैं। और की फ्रेम का मतलब ये होता है कि हम इसको जो फ्रेम है उसको वहाँ पे की कर देते हैं, यानी उसको वहाँ पे लॉक कर देते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में आप देखेंगे तो घड़ी का एक स्टॉप वॉच होती है, उसको आप टैग करते हैं, यानी उस मोमेंट पे, उस फ्रेम पे ये चीज़ वहाँ पे टिकी रहे। सो ये की फ्रेमिंग का मतलब है। और ये ट्रिकी होती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें कई बार पता नहीं लगता कि ऑप्शन ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है, लेकिन एक बहुत इजी टेक्निक आपको मैं बताऊंगा जिससे आपके लिए ये आसान हो जाएगा। कई बार हम की फ्रेमिंग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कई बार हम मिडल से या एंडिंग से शुरू कर देते हैं, जहाँ से आसान हो। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो कार की मैंने स्टार्टिंग पोजीशन अपनी लॉक करनी है, सो इसको मैं की फ्रेम करूँगा, फ्रेम को की करूँगा, यानी लॉक कर दिया। पोजीशन, पोजीशन टूल पे गए हम, की फ्रेम कर दिया, कार को सेलेक्ट किया हुआ। अब फाइनल पोजीशन पे लेकर आना है कि कार हमारी कहाँ पे आके रुके। अगर तो मैंने यहीं पे गाड़ी चला दी तो ये गलत होगा, क्योंकि ये इसका पहला पोजीशन थी। सो इसको मैं कमांड जेड दबा के अंडू कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे टाइमलाइन पे लेकर गया मैं ये, आप यहाँ पे टाइम कोड देख सकते हैं कितने सेकंड्स बाद मैं चाहता हूँ मेरी कार आके वहाँ पे रुके। मैं चाहता हूँ करीब पूरे 2 सेकंड्स बाद मेरी कार आके यहाँ पे रुके, क्योंकि वो जल गई है। ठीक है, अब 2 सेकंड पे मैं ले आया, और जैसे ही इसको मैं मूव करूँगा कार को आगे, तो आप देखिए वहाँ पे राइट साइड पे की फ्रेम है इसका, वहाँ पे डार्क हो गया। ये देखो यहाँ पे दब गया। अब मैंने इसको अगर दोबारा दबा दिया तो ये वापस चली गई। सो जिनके लिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था समझना, मैं उनके लिए दोबारा कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। फर्स्ट फ्रेम पर हम आके फर्स्ट पोजीशन को हमने लॉक किया, अब हम करना चाहते हैं सेकेंड पोजीशन लॉक। सो सेकेंड पोजीशन कार की कहाँ पे हो? सेकेंड पोजीशन हो 2 सेकेंड्स पर कार की, 2 सेकेंड पर आके। और गाड़ी की पोजीशन क्या हो? गाड़ी की पोजीशन हो ये। तो देखिए अगर इससे पिछले फ्रेम पे जाना है, यहाँ पे अब एरो एक्टिवेट हो जाएगा, इसको दबा के ये पुरानी पोजीशन और ये नई पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो आप ये देखिए गाड़ी अपने आप बीच वाली पोजीशन सेट कर लेती है। ये देखिए गाड़ी यहाँ पे चल के आ गई। सो अब एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, ये स्टार्ट हो रही है, एक बेसिस आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके टायर्स भी साथ में ही की फ्रेम हो, यानी साथ में ही चलें। टायर पहले को हमने किया की फ्रेम, सेम दबाया। अब मैं चाहता हूँ गाड़ी की सेकंड पोजीशन क्या थी, गाड़ी को क्लिक किया और ये नेक्स्ट एरो दबाया, ये सेकंड पोजीशन आ गई। सो यहीं से मैंने टायर को क्लिक किया, क्योंकि ये मैग्नेटिक टाइमलाइन है, इसका प्लेहेड वहीं पे रहेगा, वहीं पे आके रुके। सो इसकी टायर की सेकंड पोजीशन भी मैंने लॉक कर दी। ये तो था इसका पोजीशन वाला की फ्रेम। अब सेम ऐसा हम दूसरे टायर के साथ करते हैं। पहली पोजीशन को हमने की फ्रेम किया, फिर हमने कार को क्लिक किया और इसके अगले पोजीशन पे चले गए, फिर टायर को क्लिक किया, वहीं पे प्ले हेड पे आके हमने एक्स एक्सिस को छेड़ा और टायर यहाँ पे आ गया। अब आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी कार आके टायर्स के साथ रुकी, लेकिन टायर्स तो घूमे नहीं। वो इसलिए नहीं घूमे क्योंकि अभी हमने सिर्फ पोजीशन वाले पैरामीटर को छेड़ा है, पोजीशन वाले ऑप्शन को छेड़ा है। अगर हम चाहते हैं टायर्स रोटेट करें तो उसके लिए हमें रोटेशन छेड़नी पड़ेगी। सेम की फ्रेमिंग का हम इस्तेमाल करेंगे, रोटेशन को भी की फ्रेम करना था। सो की फ्रेमिंग से हमें ये पता लगता है कि जिस जिस चीज़ को हम छेड़ना चाहते हैं, कि टाइम ओवर द टाइम जो चीज़ चेंज हो, जो पैरामीटर चेंज हो, हमें उस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। आगे जाके ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी जब मैं बाकी टूल्स में ये चीज़ यूज़ करूँगा। सो टायर के पहले पोजीशन को मैंने यहाँ पे भी की फ्रेम कर दिया, और अब मैं गया एंडिंग वाली पोजीशन में, समझ लीजिए 290 डिग्रीज घूमे। अब ये देखिए पहला टायर घूमा, और अब मैं चाहता हूँ इस पे भी जाके ये ऐसे ही हो। सो मैं पहले उस पे गया, इसको रोटेशन को की फ्रेम किया, सेकंड लास्ट पोजीशन पे गया और यहाँ पे टाइप कर दिया 290, 290। अब देखिए ये हमारा बेसिक तैयार हो रहा है, गाड़ी बड़ी धीरे आके यहाँ पे हुई। सो अब नेक्स्ट हमने एक्टिवेट की ड्रैगन की लेयर,
और गाड़ी जैसे ही यहाँ पे आ रही है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारे ड्रैगन साहब हैं, इनको थोड़ा गायब कर देते हैं, फ्रेम से बाहर कर देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ से गाड़ी थोड़ी आगे पहुँचे, फिर ड्रैगन आए। ऐसे लगेगा गाड़ी ड्रैगन से बच के भाग रही है। सो ड्रैगन की पोजीशन को हमने लॉक कर दिया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ड्रैगन का स्केल। जैसे अभी आपको रोटेशन बताया तो स्केल भी बताते हैं। ड्रैगन पीछे से आ रहा है तो उसका साइज़ बड़ा हो रहा है। स्केल हमने कर लिया यहाँ से 70% कर लिया स्केल हमने। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँची, यानी गाड़ी की लास्ट पोजीशन जो है वहाँ पे, ड्रैगन गाड़ी को जला दिया, ड्रैगन ने गाड़ी को। सो हमने दो चीज़ें यहाँ पे की फ्रेम की थी, एक्स एक्सिस ड्रैगन आ गया और ड्रैगन थोड़ा सा आते आते बड़ा भी हो गया, 75% हो गया ड्रैगन हमारा बड़ा। उसने गाड़ी को जला दिया, गाड़ी रुक गई। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड बाद ड्रैगन एग्ज़िट कर जाए, यहाँ से सारी सिटी को जला के एग्ज़िट कर जाए। मैं 4 सेकंड पहले कर गया और ड्रैगन का एक्स एक्सिस मैंने हिला दिया, इसको आगे ले गया मैं ड्रैगन को। तो यहाँ पे देखिए की फ्रेम अपने आप ये बदल गया, यहाँ पे अपने आप की फ्रेम लॉक कर दिया, यानी बीच की पोजीशंस इसने डिसाइड कर ली। सो इससे क्या पता लगता है कि की फ्रेमिंग में आपको एक फर्स्ट और एक लास्ट पोजीशन आपको डिसाइड करनी है, वहाँ पे लॉक दबाना है और बाकी का काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेगा। ये बेसिक आप देखिए, गाड़ी के पीछे ड्रैगन आया, ड्रैगन थोड़ा बड़ा हुआ, जला के चला गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे गाड़ी हमारी जलती है, तो मैंने फायर PNG ये डाउनलोड करके रखा है। और जैसे ही ये गाड़ी को जलाता है, गाड़ी रुक जाती है, तो यहाँ पे कमांड टी दबाया, यानी क्रॉस डिजॉल्व आ गया। ये थोड़ी बड़ी आग लग रही है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा कर लेते हैं। सो आगे एनिमेशन का सेकंड पार्ट ये है कि ड्रैगन ने सिटी को भी जला दिया। सो यहाँ पे तो ड्रैगन आगे चला गया, अब ड्रैगन थोड़ी देर बाद पीछे आया। पीछे का इसका दिखाने के लिए हमें ड्रैगन को स्केल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी बहुत पीछे है। सो इसको थोड़ी 3D लुक देने के लिए ड्रैगन को मैंने 40% छोटा कर दिया। और ड्रैगन को यहाँ पे मैं वापस ले आया अंदर। सो मैं चाहता हूँ कि ड्रैगन मेरा उल्टा ना आए, तो इसको हम थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स पे गए और यहाँ पे फ्लिप इफ़ेक्ट गए। जिनको इफ़ेक्ट्स का नहीं पता उनको अलग ट्यूटोरियल आएगा इफ़ेक्ट्स का। यहाँ पे मैंने ब्लेड टूल यूज़ किया, इसको ब्रेक कर दिया और इस पार्ट को सिलेक्ट किया और फ्लिप कर दिया। ड्रैगन अगर वापस आएगा तो मुंह उसका इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं ड्रैगन को, और ड्रैगन ऐसा लग रहा है कि सिटी को जाके जला रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके ड्रैगन जब यहाँ पे पहुँचे तो पूरी एंड में सिटी में आग लगा दे। फाइनल पोजीशन इसकी मैंने लॉक करनी है। अब जलाता हुआ ड्रैगन चला गया। सो मैंने देखी यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट पोजीशन पे इसको की फ्रेम किया और लास्ट पोजीशन पे की फ्रेम किया। बीच का डिस्टेंस अपने आप ही ट्रैवल करेगा, ये देखिए। अब आग लगनी चाहिए थी यहाँ पे, ये गाड़ी की आग लगी हुई है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। और सिटी में भी आग लगनी चाहिए थी, तो सिटी के लिए मैंने एक लंबी वाली आग डाउनलोड करके रखी हुई है। और इस लेयर को मैं इसके पीछे डाल देता हूँ, यानी इसके नीचे डाल देता हूँ, बैकग्राउंड में चली जाएगी ये लेयर। साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि, और ये फायर ड्रैगन के भी नीचे होनी चाहिए ताकि लगे ड्रैगन। अब ये देखिए ड्रैगन ने आग लगाई, लेकिन आग पहले की लगी हुई है, यानी अब हमें फायर को भी की फ्रेम करना पड़ेगा। अब फायर तो मेरे पास एक पूरी इमेज है, इसको मैं कैसे की फ्रेम करूँ? अब आप सोचिए कौन से टूल को हम की फ्रेम करके फायर दिखा सकते हैं। यस, ये है क्रॉप टूल। शिफ्ट सी दबाऊंगा ट्रिम करने के लिए, और क्रॉप में मैं की फ्रेम सभी को दबा दूंगा। और पहली पोजीशन में मैं चाहता हूँ ड्रैगन जब मेरा पहुँचे यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, तब इतना की फ्रेम हो। फर्स्ट पोजीशन में मैंने की फ्रेम कर दिया। और मैं चाहता हूँ जब ड्रैगन यहाँ तक पहुँचे तो मेरी आग पूरी लग चुकी हो, आग लग गई पूरी सिटी में। लास्ट पोजीशन में मैंने की फ्रेम कर दिया। अब ये देखिए क्रॉस डिजॉल्व की ट्रांजिशन दे देते हैं, कमांड टी इसका शॉर्टकट है। ये ड्रैगन ने आग लगा दी। अब ये देखिए हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। कार आई हमारी और कार को आग लगा दी, और फिर ड्रैगन आगे गया, पूरी सिटी में आग लगा दी।
एकदम छोटी सी एनिमेशन थी और हमने तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया, 5 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया। अब इस पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाइए, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें कार क्रैश या फिर फायर का चाहिए। यहाँ से जो आपको अच्छा लगे साउंड इफ़ेक्ट वो आप उठा के आई दबा के ओ दबा के उसको ड्रैग करके नीचे डाल लीजिए। लाइकवाइज आप म्यूज़िक भी डाल लीजिए और ये पूरी क्लिप आप देखिए कैसी लग रही है। इसका रिकैप आपको दे दूं, पहले पोजीशन पे जाके इसको लॉक करके की फ्रेम का बटन दबाना होता है, फिर लास्ट पोजीशन पे जाके लॉक करके इसका की फ्रेम दबाना होता है और बीच का काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है। सो आई होप कि आपको की फ्रेम्स का कुछ पता लगा हो और प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ आएगा, आप इसमें परफेक्ट होगे। अलग अलग टाइप्स के की फ्रेम्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें हमने पोजीशन यूज़ की है, स्केल यूज़ की है और क्रॉप यूज़ की है। सो इसको देखिए कितने क्रिएटिवली आप यूज़ कर सकते हैं और कमेंट्स में मेरे को बताइए अगर ये हेल्पफुल था या नहीं। स्टे ट्यून्ड और बड़े अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही ट्यूटोरियल आए कोई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।